महेश और नीरज पड़ोसी थे। दोनों के ठेले थे। महेश का नारियल पानी का ठेला था और नीरज का आइसक्रीम का ठेला था। रोज सुबह 9 बजे दोनों अपने अपने ठेले को लेकर निकल जाया करते थे और फिर पार्क के बाहर अपना ठेला लगा दिया करते थे। महेश एक अच्छा इंसान था जो दूसरों की मदद करता था। पार्क के बाहर एक गरीब भिखारी बैठा करता था। महेश उसके लिए रोज घर से खाना लाया करता था। ये लो काका, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। महेश को गरीबों की मदद करना पसंद था, वही नीरज स्वार्थी था। अरे भाई महेश, ये तुम रोज इस भिखारी के लिए खाना क्यों लाते हो? ये थोड़ी ना तुम्हारा रिश्तेदार है जो तुमने इसकी जिम्मेदारी उठाई है। अरे भाई, बेचारा गरीब है, मुझसे बन पड़ता है, इसलिए इसकी मदद कर देता हूँ। पर ये सब बेफजूल का खर्चा है, तुम्हें तो पैसे की बचत करनी चाहिए भाई। वैसे भी तुम परिवार वाले हो, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। हाँ वो तो है, पर इस छोटी सी मदद से मुझे नहीं लगता कि मेरा खर्चा घट जाएगा। वैसे भी गरीबों की मदद करना या ना करना, ये तो सबकी अपनी इच्छा होती है। और उसी समय महेश के ठेले पर ग्राहक आ गए। अरे भैया, 2 नारियल पानी दे दो। जी सर। महेश नारियल पानी दे ही रहा था कि दूसरे ग्राहक आ गए और देखते ही देखते ग्राहकों की भीड़ जमने लगी। कुछ ही घंटों में महेश के आधे से ज्यादा नारियल बिक गए थे। ये सब नीरज देख रहा था। पता नहीं इसके नारियल पानी में क्या है, धड़ाधड़ सारे नारियल बिक जाते हैं और मैं यहाँ सुबह से खड़ा हूँ, मेरी तो एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी। नीरज मन ही मन महेश से जल रहा था। दोपहर तक महेश के सारे नारियल खत्म हो गए और वो घर के लिए निकल गया और यहाँ नीरज जल भुनकर खाक हो रहा था। आज मैं इसका कुछ करके ही रहूँगा। रास्ते में महेश को एक और गरीब औरत दिखी। अरे बेटा, कुछ खाने को है तो दे दो। हाँ माँ, है ना। महेश ने बेझिझक अपना डिब्बा उस गरीब औरत को दे दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। बूढ़ी औरत ने महेश को आशीर्वाद दिया और वो अपने घर चला गया। रमा आ गया, आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ सारे नारियल बिक गए और हाँ, आज मैंने अपना डिब्बा एक गरीब बूढ़ी अम्मा को दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने खाना बना लिया है, आइए साथ खाते हैं। हाँ ये हाथ गाड़ी यहीं लगा कर आता हूँ। ठीक है। रोज की तरह महेश ने वो हाथ गाड़ी अपने दरवाजे पर लगाई और घर के अंदर चला गया। शाम के समय महेश नारियल खरीदने के लिए निकला और उसने नारियल खरीद कर घर के बाहर ही रख दिए। अरे रमा, आज तू रोज से दुगना नारियल खरीदी है, इतना सारा भार उठाकर मैं थक गया हूँ, थोड़ी चाय बना दो। हाँ। उसी वक्त नीरज अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर घर पहुँचा। नीरज ने वहाँ रखे नारियल देखे और हाथ गाड़ी भी, और उसके खुराफती दिमाग में योजना बन गई। अब देखता हूँ तू कैसे पैसे कमाता है। रात को जब सब सो रहे थे तो नीरज चुपचाप अपने घर से बाहर आया। उसने महेश के घर के बाहर रखे सारे नारियल और उसकी हाथ गाड़ी उठा ली। अब देखता हूँ बिना नारियल और हाथ गाड़ी के कैसे सबकी मदद करेगा, अब तू रोएगा और मैं हंसूंगा। नीरज ने वो नारियल और हाथ गाड़ी अपने घर के पीछे आंगन में छुपा दी और सभी चीजों को घास से ढक दिया। महेश का बुरा करके नीरज बहुत खुश था। उस रात उसे बड़ी अच्छी नींद आई। अगली सुबह जब महेश घर के बाहर आया तो उसकी हाथ गाड़ी और नारियल सब कुछ गायब थे। अरे रमा जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? सब कुछ चोरी हो गया, मेरी हाथ गाड़ी और नारियल सब कुछ। हे भगवान, नारियल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब हमारा क्या होगा? महेश ने अपना सिर पकड़ लिया। रमा भी परेशान थी। आप एक बार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा आइए, हमें हमारी हाथ गाड़ी जरूर मिलेगी। एक बार चोरी हुई चीजें भला किसी को मिलती है क्या? तो अब हम क्या करें? पता नहीं, देखता हूँ कहीं से पैसों का जुगाड़ होगा तो ही नया नारियल खरीद कर बेच सकता हूँ। हाँ देखिए,
परेशान महेश एक साहूकार के पास गया। मालिक, मेरी हाथ गाड़ी चोरी हो गई है और नारियल भी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? फिलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ महीने के महीने आपके पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं, मेरा व्यापार वादे पे नहीं चलता। कुछ गिरवी रखने को ले आओ और फिर पैसे लेकर जाओ। महेश निराश हो गया, उसके पास गिरवी रखने को कुछ भी नहीं था। न मेरे पास सोना है, न ही खुद का घर, अब मैं भला क्या गिरवी रख सकता हूँ? हे भगवान, मेरी मदद करो। महेश उन्हीं रोड पर चलता रहा। चलते चलते वो पार्क के पास आया। उसे वहाँ वो बूढ़ा आदमी दिखा। आज महेश के पास उसके लिए खाना नहीं था। महेश ने पास के ठेले से कुछ समोसे खरीद लिए और फिर उस गरीब को दे दिए। माफ करना, आज मैं तुम्हारे लिए घर से खाना नहीं ला पाया। कोई बात नहीं, आज तुम खुद परेशानी में हो बेटा। तुमने मेरे लिए इतना किया है, ये ही बहुत है, ये लो। उस बूढ़े आदमी ने महेश के हाथ में एक हाथ गाड़ी का खिलौना रख दिया। ये क्या है? इसे घर ले जाओ। ये क्या है तुम्हें कल समझ आएगा। ठीक है, भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। महेश वो हाथ गाड़ी का खिलौना लेकर अपने घर गया। कुछ हुआ क्या? नहीं, साहूकार ने भी कर्ज देने से मना कर दिया। और हाँ, ये देखो। महेश ने अपनी जेब से वो हाथ गाड़ी का खिलौना निकाला। ये क्या है? अरे जिस गरीब बुढ़े बाबा को मैं रोज खाना खिलाता हूँ ना, आज उन्होंने मुझे ये दिया है और बोला कि ये क्या है, ये तुम्हें कल ही समझ आएगा। इस छोटी सी हाथ गाड़ी को हम यहीं रख देते हैं, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए खाना खाते हैं। हाँ ठीक है। पूरा दिन महेश और रमा सोचते रहे कि कैसे वो लोग पैसों का जुगाड़ करेंगे। और यहाँ इनके लटके हुए मुंह देखकर नीरज बहुत खुश था। ये हुई ना बात। इस रात भी नीरज चैन की नींद सोया। पर अगली सुबह जब वो घर से बाहर निकला तो उसका आइसक्रीम का ठेला एक छोटे खिलौने में बदल चुका था। और यहाँ महेश के घर में चमत्कार हो गया। जब महेश और रमा उठे तो उनके सामने एक नई हाथ गाड़ी थी जिस पर ढेर सारे नारियल थे। हे भगवान, वो छोटी सी हाथ गाड़ी इतनी बड़ी कैसे हो गई? कुछ समय बाद महेश अपनी नई हाथ गाड़ी लेकर बाहर निकला और ये देखकर नीरज ने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने तो महेश का बुरा करना चाहा था, भगवान ने मेरा ही बुरा कर दिया। नीरज ने महेश का बुरा चाहा, पर महेश को जादुई नारियल का ठेला उसकी अच्छाई की वजह से मिला। नीरज को अपने बुरे कर्मों का बुरा फल मिला और महेश को अपने अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिला। इसलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।